हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ कोमल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोमल की रेसिपी। तो आज मैं फिर से एक और वेट लूज डाइट रेसिपी लेकर आई हूँ। ब्रेकफास्ट रेसिपी है, आप इसे ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, लंच में भी खा सकते हैं, वो पूरी तरीके से आपकी चॉइस है। और कल जो मैंने वीडियो डाली थी पोहे वाली, वो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से जो है अपनी रेसिपी शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको किसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। चीज़ें बहुत ही लिमिटेड चाहिए, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले हमें चाहिए मूंग। इन मूंग दाल को मैंने 24 घंटे पहले भिगोया था और उसके बाद 5-6 घंटे भीगने के बाद मैंने इन्हें पानी निकाल के रख दिया था, ये बिल्कुल स्प्राउटी हो गए हैं। उसके अलावा हमें चाहिए हरा धनिया, एक बारीक कटी हुई प्याज, 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं और मैं इसमें हरी मिर्च का ही यूज़ करूँगी, आप चाहें तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, काली मिर्च भी। और एक टुकड़ा अदरक का और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और इन्हें हल्का सा फ्राई करने के लिए, सेकने के लिए हल्का सा घी या रिफाइंड जो आपको ठीक लगे वो आप लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने मूंग दाल को जो है मिक्सी के जार में डाल लिया है। थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी डालूंगी ताकि इसका एक पेस्ट बन सके। और इसके अंदर ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा, साथ में ये 2 हरी मिर्चें, और अब हम इनको दरदरा दरदरा पीस लेंगे, बारीक नहीं पीसना है। तो यहाँ पे हमने मूंग दाल को पीस लिया है कुछ इस तरीके से दरदरा सा, इसको अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो हम मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ये प्याज जो कि मैंने बारीक काट के रखी हुई है। उसके साथ ही मैं ऐड करूंगी ये हरा धनिया। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। बस ये लिमिटेड से मसाले हमें रखने हैं और इसी से जो है हमारा चीला बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनेगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और जो मूंग दाल होती है वो प्रोटीन से भरपूर होती है, तो अगर आपके हाथ पैरों में दर्द है एक्सरसाइज करने की वजह से, जॉइंट्स पेन है एक्सरसाइज करने की वजह से, तो वो भी ठीक हो जाएगा। हल्का सा मैंने पानी डाला है, मुझे थोड़ा थिक लग रहा था। तो यहाँ पे हमारा जो बैटर है वो एकदम रेडी हो चुका है। और अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप इसे 10 मिनट रेस्ट करने पर छोड़ दें, बट अगर टाइम नहीं है तो आप इसे इंस्टेंट भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया है एक तवा, आप नॉनस्टिक तवा या नॉर्मल तवा कोई भी तवा ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और ये चीले बनाने के लिए मैं करूँगी घी का यूज़, क्योंकि दिन में 1 चम्मच घी खाना ही चाहिए, आप उसे किसी भी तरीके से खा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ही हल्का सा हम इसके ऊपर घी लगाएंगे और इसको पूरे में फैला लेंगे। वैसे तो नॉनस्टिक तवा है, कोई ज़रूरत भी नहीं है, बट हल्का सा जो है फ्लेवर आ जाता है इससे। और अगर आप ये भी नहीं लगाना चाहते तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। तो तवा हमारा गर्म हो चुका है, उसके ऊपर मैं डाल दूंगी ये बैटर। और चीले का साइज आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, छोटा बड़ा, मैं यहाँ पे मीडियम साइज के बना रही हूँ। सिम गैस करके आपको छोड़ देना है जब तक ये ऊपर से थोड़ा सा ड्राई ना होने लगे। तो ये देख सकते हैं आप, ऊपर से हमारा जो चीला है वो ड्राई होने लगा है। और अब बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मैं इसको पलट दूंगी। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारे चीले के ऊपर। और इसको प्रेस करते हुए हम जो है दोनों साइड से अच्छा क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे अलटते पलटते हुए। तो ये देखिए हमारा जो चीला है दोनों ही साइड से बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी सेक चुका है। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ प्लेट पर और इसी तरीके से हम अपने और भी चीले फ्राई कर लेंगे। तो ये है हमारा दूसरा चीला और इस पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला, ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और डाल भी सकते हैं। तो थोड़े से फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए मैं इसके अंदर ये डाल रही हूँ। हमारा ये चीला भी जो है सिक कर एकदम रेडी हो चुका है, तो इसको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा मूंग दाल चीला बनकर रेडी हो गया है। इतने बैटर में हमारे 3 मूंग दाल चीले बने हैं, एक तो छोटू सा ही है। इसको मैंने घर की बनी इमली की चटनी के साथ सर्व किया है जो कि गुड़ से बनी हुई है और बिल्कुल ही कम मीठे की मैंने यहाँ पे चाय ली है। तो आप इसे दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लस्सी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। और एक इंसान के लिए ये चीले बहुत सफिशियंट है, उनका पेट बहुत ही अच्छे से भर जाएगा।
और काफी देर तक उनको भूख भी नहीं लगने वाली है। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा है तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। बाय बाय।